क्लास टेंथ मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें से कौन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या का मतलब है खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगे, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। 0.3 पर 12 है, तो हो जाएगा 3/9, कटा देंगे तो 1/3, आंसर हो गया 1/3 सी नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है, 7+3√2 है, रूट है इसमें, रूट रहता है तो परिमेय संख्या होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात, तो लसा यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 20 है, ठीक है 20 है, तो लसा हो जाएगा इसका आपका 60 और मौसा हो जाएगा आपका 5, तो 12/1 यानी 12:1, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या है, तो यहाँ मैंने सम संख्या ना चाहिए तो रखिए 1, 2, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा सम नहीं है, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा सम नहीं है, 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 होगा, यानी कि ये सम संख्या हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, यदि पी और क्यू दो अभाज्य है तो मौसा क्या होगा, तो इसका मौसा 1 हो जाएगा, अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है, तो संख्या 50 है तो विषम हो जाएगा 25 है, सम 25, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, इसमें सब अपरिमेय नहीं है बताना, तो स्क्वायर 11 का स्क्वायर है, रूट से बाहर हो जाएगा, तो डी नंबर अपरिमेय नहीं है। कौन इसमें से अपरिमेय नहीं है, तो देखिए ये जो है 8/9 हो जाएगा, स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, तो ये नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत आपको बताना है कि कौन सा होगा, जैसे कि ये 3/8 है, तो नीचे खाली आपका 2, 2 हो जाएगा, तो ये आपका जो है दशमलव प्रसार शांत है। ये 6/15 है, कटा देंगे तो 3/5, इस भी दशमलव प्रसार इसका भी शांत है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे दिया, लेकिन ए भी है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसको अशांत देना चाहिए था ताकि सटीक आंसर हो। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 4 हो जाएगा, आंसर हो गया आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, दो संख्याएं ए और बी, ए और 18 का लसा तथा मौसा 2 है, तो ए का मान 4 हो जाएगा। एक आदमी 25 मीटर पश्चिम जाता है, 10 मीटर उत्तर जाता है, तो ये आपको निकालना है, यानी कि 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और रूट निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा 26। इतना का है, तो ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। छः बटा 15 दशमलव प्रसार होगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। निम्न कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 11 है, क्योंकि इसमें जो है 1 और 11 से ही भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या है। अपरिमेय, इसमें से कौन अपरिमेय है, रूट से बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो सी नंबर आंसर। इसमें रूट है, तो रूट रहता है तो अपरिमेय संख्या, आंसर हो जाएगा बी नंबर।